अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका खादिम नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, सीतामढ़ी बिहार। माशाल्लाह, आप मुझे जलसे में, मुशायरे में, मुजाहरे क़िरत में और दिगर महफिलों में मुझे सुनते हैं। मैं इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन और सनाती सरजमीन, जिसे लोग गुजरात कहते हैं, और गुजरात की सरजमीन पर मैं कफलेता में हूँ। जामियतुल क़िरात कफलेता, सूरत गुजरात, इस इदारे को कौन नहीं जाता। इसके खूबसूरत और हसीन मनाजिर को जब आप YouTube पर सर्च करके देखेंगे तो फिर अंदाज़ा लगेगा कि इस्लामी किला कितना बड़ा है। और माशाल्लाह, कुरान की निस्बत की वजह से इस इदारे को अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी है। यहाँ के चाहने वाले जितने हैं, इनके मिंबरान भी, असातिज़ा, तलबा, माशाल्लाह इस इदारे के अंदर आने के बाद तबीयत खुश हो गई, दिल गार्डन गार्डन हो गया, रूहानी तकवीत मिली, रूह को एक ग़िज़ा मिली। माशाल्लाह, आज मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि काश इमाम साहब जो तलबा पढ़ा रहे थे, तबीयत चाह रही थी कि काश फजर तक ये कुरान पढ़ते रहते और हम सुनते चले जाते। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जामियतुल क़िरात कफलेता का एक चैनल है, और बहुत छोटी कोशिश इन्होंने की है कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस मदरसे के हवाले से छोटी या बड़ी कोई भी महफिल हो तो इंशाल्लाह उसको कैमरे की निगाह में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाने का ये काम करेंगे। तो इसके लिए असजद बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, इसके लिए सब्सक्राइब कर ले कि जब भी कोई महफिल हो ताकि आपका इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको आप, एक फ़ायदा आपका ये होगा कि कम से कम अच्छे कुरान सुनने को आपको मिलेंगे, और वो जज्बा आप अपने घर में, बच्चों में, बच्चियों में उभार सकते हैं। और दिगर जगहों पे पढ़ने का लहजा क्या होता है, आवाज़ किस तरह से चढ़ाई जाती है, उतारी जाती है, क्लासिकल आवाज़, और किस स्केल पर पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में या इंग्लिश में लोग PhD करते हैं, कुर्रा हज़रात की PhD यहाँ की जाती है। लिहाजा इसके लिए मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।